नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पति और पत्नी ने ही मिलकर किया था पत्नी के प्रेमी की हत्या। शव को सहजनवा थाने की पुलिस ने किया बरामद। पुलिस ने आरोपी पति और पत्नी को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल डंडा किया बरामद। SSP ने किया खुलासा। हत्या व हत्या के प्रयास, बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार के आरोपी व 10,000 रुपए के इनामी अपराधी राज निषाद को राजघाट थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया घायल। गिरफ्तार कर इलाज के लिए हॉस्पिटल में करवाया भर्ती। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा किया बरामद। SPCT ने किया खुलासा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने पर भाजपा महानगर व जिला के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में नगर निगम से पदयात्रा निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का फूका पुतला। कहा, PM मोदी पूरे भारतीयों की है शान, विश्व के है नेता, उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गोरखपुर में होगा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। काकोरी के बलिदानियों की याद में 750 ड्रोन के रंग बिरंगी आभा में जीवंत होंगी जंगे आजादी की गाथा। 19 दिसंबर को महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में होगा भव्य आयोजन। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय व उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ के संयुक्त तत्वावधान में सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता बालक वर्ग का भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। कहा, भारत व प्रदेश सरकार खेलों को दे रही है बढ़ावा। अब गांव के खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में दिखा रहे हैं अपनी प्रतिभा, देश का नाम कर रहे हैं रोशन। तहसील सदर में SDM नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए भूमि विवाद व पुलिस विभाग से संबंधित। समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर पुरातन छात्र सम्मेलन का किया गया आयोजन। 1972 व 1997 बैच के पुरातन छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर किया गया उन्हें सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। सहजनवा थाने की पुलिस ने अज्ञात स्टॉकर से शिनाख्त कर घटना में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SSP डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सीता शर्मा पत्नी राहुल शर्मा निवासी बेलघाट बुजुर्ग थाना PP गंज जनपद गोरखपुर, दूसरा राहुल शर्मा पुत्र मणिलाल शर्मा निवासी बेलघाट बुजुर्ग थाना PP गंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल डंडा, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। SSP ने बताया कि 14 दिसंबर को डायल 112 के जरिए कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव बोरे में लपेटकर सहजनवा थाना क्षेत्र में रेगुलेटर के पास बंधे के किनारे फेंका हुआ है, जिनकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचकर फॉरेंसिक टीम से जांच कराकर शव को कब्जे में लिया तथा शव की शिनाख्त हेतु आसपास के गांव व थानों में सुरागरसी की गई, जिसके क्रम में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बेलघाट बुजुर्ग थाना PP गंज में राहुल शर्मा के घर पर उक्त युवक अक्सर देखा जाता था, जो खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर चीकर का रहने वाला है। स्थानीय पुलिस की सहायता से परिजन से संपर्क करने पर युवक की शिनाख्त मुन्ना पुत्र राजेंद्र उम्र करीब 28 वर्ष के रूप में हुई। सुरागरसी से पता चला कि मुन्ना का संबंध गांव की ही युवती से था, जिसकी शादी थाना क्षेत्र PP गंज में हुई थी तथा मुखबिर की सूचना से राहुल शर्मा के घर 12 दिसंबर को मृतक मुन्ना के आने की जानकारी प्राप्त हुई। अभियुक्त राहुल शर्मा व उसकी पत्नी सीता शर्मा को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने से ज्ञात हुआ कि मृतक का संबंध राहुल शर्मा की पत्नी से था तथा राहुल शर्मा स्वयं बाहर रहकर कारपेंटर का काम करता था, लेकिन जब राहुल शर्मा दिवाली में घर आया तो अपनी पत्नी व मुन्ना के बीच की नज़दीकी देखकर उसे शक हुआ और अपनी पत्नी को मुन्ना से संबंध रखने पर मना किया।
लेकिन मुन्ना द्वारा फिर भी संबंध रखने पर राहुल व उसकी पत्नी द्वारा योजना बनाकर 12 दिसंबर की रात में मुन्ना को घर पीपीगंज बुलाकर काफी शराब पिलाई गई व मौका देखकर सर पर डंडे से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गई तथा पूरी रात व पूरा दिन शव को घर में ही छिपाकर रखा गया तथा 13 की रात को अपनी पत्नी के साथ सुनसान रास्ते का लाभ उठाकर मोटरसाइकिल पर शव को बोरे में बांधकर करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करके मार्डर रेगुलेटर के पास बंधे के किनारे थाना क्षेत्र सहजनों में फेंक दिया गया, जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण सर में चोट आने से होने की पुष्टि हो रही है। अभियुक्तों द्वारा मृतक का मोबाइल व जूते पन्नी में बांधकर सिसई घाट राप्ती नदी में फेंक दिया गया, जिसकी तलाश का प्रयास किया जा रहा है तथा सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने हेतु टीम लगाई गई है व सर्विलांस के मदद से मोबाइल की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सहजनवा थाना प्रभारी नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव, उप निरीक्षक सुशील सिंह, सत्यदेव, कांस्टेबल इंद्रजीत यादव, अंकित दुबे, विजय यादव, महिला कांस्टेबल नेहा कुमारी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए आप सभी अवगत हैं कि थाना सहजनवा में 14 दिसंबर को लगभग 12:30 बजे दिन में एक सूचना आई कि मोदार बंदा जो है उसके पास एक बोरे में कुछ डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को कब्जे में लिया, घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक की टीम द्वारा कराया गया, डेड बॉडी का पंचायतनामा भरकर उसके पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया। क्योंकि इसकी पहचान नहीं हुई थी तो वहाँ के फोटोग्राफ्स और बाकी सारी चीज़ें लेकर के उसकी तलाश गश्ती के लिए भेजा गया। मुखबिरों के माध्यम से भी सूचना एकत्रित की गई। अगले दिन 15 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना पीपीगंज क्षेत्र में एक गांव में कुछ एक विवाद हुआ था, उसके बाद से एक व्यक्ति को लेकर के कुछ लोग वहां से गए थे और वो मिसिंग चल रहा है। इसी सूचना के ऊपर डेवलप किया गया, जानकारियां एकत्रित की गई तो पूरी कहानी के कुछ अंश सामने आए। फिर जब इस घटना से संबंधित घटनाक्रम की जो से पूर्व जो मूवमेंट हुआ था जो मृतक है उसका या उसके पूर्व के जो संपर्क थे उसके बारे में जानकारी करने पर एक जो इसकी पहचान हुई वो मुन्ना के नाम से हुई, जो थाना खोराबार का रहने वाला है। ये 28 साल का है और दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करता है। काफ़ी वर्ष पूर्व इसका अपने ही गांव की एक लड़की के साथ पहले से संबंध था, बाद में उस लड़की की शादी हो गई थी। शादी होने के उपरांत भी ये उस लड़की से उसके ससुराल में मिलने के लिए जाता था और वहाँ पर अपने आप को उसका मुंह बोला भाई के रूप में इंट्रोड्यूस करता था। कुछ दिन वहाँ रुकता था क्योंकि उस महिला का जो हस्बैंड है वो बाहर जॉब करता था, तो इसके लिए वो उनके ससुराल जनों को भी भाई बता करके वहाँ पर रहता था। कुछ दिन पूर्व इनफैक्ट दिवाली के आसपास जब उसके उस लड़की के पति परमानेंटली आकर के यहाँ रहने लगे और उनको ये बात का एहसास हुआ कि इस तरह का एक लड़का ये कर रहा है, तो उन्होंने उनका विवाद अपनी पत्नी से भी हुआ। इसी में इस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए पति पत्नी ने इसमें एक योजना बनाई। 12 तारीख को इस व्यक्ति को, मुन्ना जो है जो कि खोराबार का रहने वाला है, ये क्योंकि ये शराब का भी सेवन करता था तो इसको अपने घर पे बुलाया, वहाँ इसको अत्यधिक जो है शराब का सेवन कराया। वो कराने के बाद इसके सिर पर उनके द्वारा वार किया गया जिससे ये बेहोश हो गया और इसको एक दिन तक मतलब 24 घंटे के आसपास इन्होंने अपने घर में ही उसकी बॉडी को रखा। और फिर अगले दिन 13 तारीख को, अगले दिन शाम को रात को 9 बजे के बाद ये दोनों लोग इसको बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए मोटरसाइकिल के ऊपर लेकर के गए
और अपने जो घटनाक्रम था, जो इनका घर था, वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर थाना सहजनवा क्षेत्र में जहाँ पे डेड बॉडी मिली, वहाँ पे इन्होंने उस बोरे को छोड़ा। ये घटना, इसकी हत्या से पूर्व इनमें और उसमें विवाद भी हुआ था, जिसकी तस्दीक जो अभियुक्त है उनके गांव के आसपास के लोगों ने भी की, और वही चीज़ बाद में सूचना के रूप में, सूचना तंत्र के माध्यम से, मुखबिर के माध्यम से हमें जानकारी हुई। जो मृतक है उसके परिजनों को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया गया, उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में भी जो कॉज ऑफ डेथ आया है वो एंटीमार्टम इंजरी आया है, जो कि सर पे चोट डॉक्टर द्वारा अंकित किया गया है। जो मृतक है उसके परिवारजनों द्वारा इस घटनाक्रम से संबंधित मुकदमा पंजीकृत कराया गया थाना सहजनवा पर, और इसी मुकदमे और बाकी साक्ष्यों के आधार पर, बयानों के आधार पर 2 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। वो महिला सीता शर्मा और उसके हस्बैंड राहुल शर्मा, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा पूछताछ में इस पूरी घटनाक्रम को कबूला गया है और उसके पीछे का कारण भी इनके द्वारा बताया गया है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में जो और भी चीज़ें हैं, और भी साक्ष्य जो इनके बयान में सामने आए हैं, जो घटनाक्रम घटनास्थल से भी सामने आए हैं, उनको भी एकत्रित किया जा रहा है। घटनास्थल से और जहाँ से बॉडी मिली है, इसकी जो दूरी है उसको कैसे इन्होंने तय किया है, उसमें कोई सीसीटीवी कैमरा इसकी जो फुटेज है वो भी खंगाली जा रही है। एक आध सीसीटीवी कैमरा बरामद भी, उसमें फुटेज भी आई है, क्योंकि मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो उसको और सीसीटीवी कैमरा से उसको तस्दीक किया जा रहा है। जो मोटरसाइकिल लेके गए हैं वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। बाकी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए इस पूरी घटना का सफल अनावरण बहुत ही अल्प अवधि में सहजनवा पुलिस द्वारा किया गया है, और इसकी अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए इसका निस्तारण किया जाएगा। राजघाट थाने की पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में घायल किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि 17 दिसंबर को मुखबिर ने सूचना दिया कि वांछित 10,000 का इनामी अपराधी अपने एक साथी के साथ चक्रा द्वयम अमरूद बगिया में मौजूद है, जिसकी सूचना पर थाना अध्यक्ष राजघाट अपने टीम के साथ अमरूद बगिया चक्रा द्वयम पहुंचे एवं गाड़ियों को बगिया के बाहर खड़ा कर मुखबिर को साथ लेकर पैदल पगडंडी से मुखबिर के बताए स्थान के निकट पहुंचे। थोड़ी देर बाद 2 लोगों के आने की आहट पाकर मुखबिर इशारा करके हट गया। नजदीक आने पर पुलिस द्वारा टॉर्च दिखाकर रुकने का इशारा किया तो आगे चल रहे व्यक्ति ने एकाएक बाएं मुड़कर पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुए घने जंगल में भागने लगा। पुलिस बल द्वारा पीछा किया गया तो दोबारा जान से मारने की नियत से पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस बल की जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त घायल हो गया व दूसरा बदमाश अंधेरे एवं घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गया। घायल अभियुक्त की पहचान राजनिषाद पुत्र बाला लखंदर निवासी चक्रा अव्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसको देखते हुए घायल अभियुक्त को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। अभियुक्त का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जिसकी स्थिति सामान्य है, जिसके पास से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि अभियुक्त के ऊपर विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज है, जिसको ठीक होने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। मुठभेड़ में राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह, टीपी नगर चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, उप निरीक्षक शैलेंद्र मिश्रा, कांस्टेबल देवेंद्र यादव, अशोक यादव, रोशन बिंद, नवी रसूल, सनद जयसूर्या शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, किनारे करो क्या नाम तुम्हारा? मैंने 2 बार नहीं किया और आगे से जोर से बोल, आगे पद नहीं गया नहीं मेरे बात माना ना पड़े, हम लोग दोबारा भी काम करते हैं। जनपद गोरखपुर के थाना राजघाट के टीपी नगर अमूरतानी क्षेत्र के मैं आज सुबह जब टीपी नगर चौकी प्रभारी एवं मलफाटू एसओ राजघाट भ्रमण पर थे, तब उनको मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक अभियुक्त राजनिषाद, जो कि 10,000 का इनामिया है एवं हत्या के अभियोग में भी वांछित है और गैंगरेप के भी अभियोग में वांछित है, वो वहाँ किसी से मिलने आया है। उस सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की,
घेराबंदी करने पर अपने आप को असहज महसूस करने पर उसने अपना तमंचा निकाला और तमंचे से फायर किया पुलिस पार्टी पर। जवाबी फायरिंग में उसके पाँव में गोली लगी और वह वहीं गिर पड़ा और दूसरा उसका साथी वहाँ से भाग गया। इस पर पुलिस द्वारा तत्काल उसके पास पहुंचकर उसको क्राइम सीन को कवर करके उसको अस्पताल ले जाया गया एवं उसका ट्रीटमेंट कराया गया। उसकी स्थिति सामान्य है और स्तर है एवं 10,000 रुपये की इनामिया इसको पकड़ने के लिए राजघाट पुलिस एवं टीपी नगर चौकी प्रभारी को बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस व्यक्ति द्वारा इसी साल थाना खोराबार के डांगीपार ग्राम में एक विकी ठठेरा नामक व्यक्ति को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद में चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी एवं यह एक थाना राजघाट के ही गैंग रेप के एक अभियोग में पार्ट पेंडिंग विवेचना में ये एक वांछित है। थैंक यू। भाजपा महानगर व जिला के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में टाउन हॉल स्थित नगर निगम परिसर से विरोध प्रदर्शन के रूप में पदयात्रा निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का जिलाधिकारी कार्यालय पर पुतला फूका, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष YMLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा अमर्यादित टिप्पणी करने से पूरे देश भर के जनमानस में भारी रोष होने के कारण देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के क्रम में महानगर व जिला के पदाधिकारियों के संयुक्त तत्वावधान में कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंक कर विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। पाक विदेश मंत्री की अमर्यादित टिप्पणी विकृत मानसिकता का द्योतक पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी से भाजपा कार्यकर्ता मर्माहत और गुस्से में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर नागरिक के लिए गौरव के प्रतीक हैं। आज दुनिया में उनकी धमक है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने भारत की धाक दुनिया में जमाई है। ऐसे ख्याति प्राप्त प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी असहनीय है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। मोदी विश्व के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, चौरी चौरा विधायक श्रवण निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा चिरंजीव चौरसिया, महामंत्री देवी श्रीवास्तव, इंद्रमणि उपाध्याय, अच्युतानंद शाही, ओम प्रकाश शर्मा, मनोज अग्रहरी, अवधेश अग्रहरी, गौरव तिवारी, रणविजय शाही, रमेश प्रताप गुप्ता, दयानंद शर्मा, जितेंद्र चौधरी, जीतू, पद्मा गुप्ता, ब्रजेश मणि मिश्रा, शिवम पांडे, अशोक गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा अनुराग मचवार, सत्यार्थ मिश्रा, कृष्ण कुमार, श्वेता श्रीवास्तव, सुरेंद्र चौबे, अजमेर आलम, रमेश चंद्र गुप्ता, नवीन पांडे बच्चा, KM मझवार, उमेश अग्रहरी, जितेंद्र बहादुर चंद, प्रेमनाथ शुक्ला, अमृतलाल भारती, अनूप किशोर अग्रवाल, सिद्धांतो घोष, सत सुकृत्य, अजय मणि त्रिपाठी, अस्तभुजा श्रीवास्तव, रूपेश गुप्ता, सूर्य प्रकाश शर्मा, आनंद अग्रहरी, छोटे लाल पासवान, अमितेश्वर पांडे, चंद्रपाल सिंह राय, अमिता गुप्ता, अमिताभ त्रिपाठी, अटल, अजय गुप्ता बजरंगी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा। Murder!
वास्तव में पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसकी प्रकृति आतंकवाद की है। वहाँ पर भारत सरकार ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया, एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों के लिए लथाड़ा, बाहर आकर के पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कुछ बातें ऐसे कही जो निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं था। उन्होंने 71 को नहीं याद किया, जिस 71 में भारत ने सैनिकों ने 1,00,000 पाकिस्तानियों को बांग्लादेश और जब लड़ाई हुई थी तो उसमें आत्मसमर्पण करा था। उस समय भुट्टो साहब रो रहे थे जो उनके नाना थे, लेकिन इन्होंने अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, हम भी कुछ कह सकते हैं, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में आज जिसकी गणना हो रही है, पूरे विश्व के एक छत नेता के रूप में जाना जाता है श्री नरेंद्र मोदी, उनके विषय में जो शब्द कहे उसमें पूरा देश आज उद्वेलित है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उद्वेलित है, हम सभी लोग क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में यह आकर करके जो है जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किए हैं, पुतला जलाए हैं और पाकिस्तान को यह संदेश दिए हैं कि वह सुधर जाए, अन्यथा निश्चित रूप से जा करके पाकिस्तान के अंदर भारत सुधारने का काम करेगा। आज बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, उन्होंने न्यूयॉर्क में जो है अपने प्रधानमंत्री परम आदरणीय खिलाफ़ नरेंद्र मोदी जी हम सबके आदर्श हैं और पूरे विश्व का जो है नेतृत्व भी करते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ़ अपशब्द का निकालना ये एक निंदनीय है, घोर पाप का काम है ये, और ऐसा निंदा शब्द, निंदनीय शब्द को निकालने के पहले जो सोचना चाहिए और उसके बाद फिर बोलना चाहिए। तो अभी आगे से भी इस बात को ध्यान दें बिलावल भुट्टो कि कभी भी किसी के खिलाफ, अच्छे लोगों के खिलाफ कभी निंदनीय बात न करें, सदैव अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। और पाकिस्तान तो शुरू से ही तमाम अनैतिक कार्य किया और तमाम आतंकवादियों को भी शरण दिया है और आगे भी चेत ले कि ऐसे निंदनीय शब्दों का कभी पुनः पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो नेतृत्व कर रहे तमाम जो उनके नेता लोग हैं वो लोग भी कभी इस तरह की बातें न करें, आगे सोचें कि मैं किसके के लिए क्या शब्द बोल रहा हूँ, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और आगे से ये बात का जरूर ध्यान दें। मैं उसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना पाकिस्तान को शोभा दे। तो मैं एक बार पुनः पाकिस्तान मुर्दाबाद देते हुए और उनकी भर्त्सना करता हूँ। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो केवल देश के हमारे प्रधानमंत्री नहीं हैं, आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से हैं और उनके खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो अमर्यादित टिप्पणी की है, आज पूरे देश भर में लोग सड़कों पर उतर करके विरोध कर रहे हैं। उसी के क्रम में गोरखपुर में भी सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शुभचिंतक यहाँ निकल करके पाकिस्तान के खिलाफ, उनके विदेश मंत्री के खिलाफ नारे लगाते हुए यहाँ विरोध प्रदर्शन किए हैं, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की हिमाकत न कर सके और उनके खिलाफ इस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग न करें। भारतीय जनता पार्टी और यहाँ सभी देशभक्त शुभचिंतक
पाकिस्तान के विदेश मंत्री के अमर्यादित बयान की भर्त्सना करता है और उनकी निंदा करता है। इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज काकुरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों की याद में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो गोरखपुर में होने जा रहा है। 750 ड्रोन की रंग बिरंगी आभा में जंगे आजादी गाथा जीवंत होगी। आजादी के अमृत वर्ष के कार्यक्रमों की कड़ी में यह आयोजन 19 दिसंबर की शाम 5 बजे रामगढ़ ताल के सामने स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों की याद में प्रदेश सरकार 15 से 19 दिसंबर तक काकोरी बलिदान दिवस समारोह मना रही है। 19 दिसंबर को ही अमर सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस है। 1927 में इसी तिथि को उन्होंने गोरखपुर जेल में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। 750 ड्रोन से होने वाले शो में उनकी शौर्य गाथा को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। ड्रोन शो में गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर प्रथम स्वतंत्रता समर 1857 से लेकर आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तक के विभिन्न घटनाक्रमों के तथा इससे जुड़े क्रांतिवीरों का चित्रमय वर्णन किया जाएगा। इसमें आकाश में एक साथ 750 ड्रोन के माध्यम से संगीत, लेजर लाइट तथा रंग बिरंगी कलाबाजियों को प्रस्तुत किया जाएगा। अमर शहीद बंधु सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, चौरी चौरा प्रतिशोध के शताब्दी वर्ष समेत देश को स्वतंत्र कराने में बलिदान देने वाले भारत माँ के सपूतों की गाथा से पूरा आसमान रोशन हो उठेगा। गोरखपुर में होने वाला ड्रोन शो देश का अब तक का सबसे बड़ा शो होगा। इसके पहले 20 दिसंबर 2021 को लखनऊ के रेजिडेंसी में 500 ड्रोन शो से अमर बलिदानियों की शौर्य गाथा का प्रदर्शन किया गया था। आजादी के अमृत वर्ष के आयोजनों की श्रृंखला में गोरखपुर में नया इतिहास रचने की तैयारी है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पति और पत्नी ने ही मिलकर किया था पत्नी के प्रेमी की हत्या। शव को सहजनवा थाने की पुलिस ने किया बरामद। पुलिस ने आरोपी पति और पत्नी को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल डंडा किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। हत्या व हत्या के प्रयास, बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार के आरोपी व 10,000 रुपए के इनामी अपराधी राज निषाद को राजघाट थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया घायल। गिरफ्तार कर इलाज के लिए हॉस्पिटल में करवाया भर्ती। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने पर भाजपा महानगर व जिला के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में नगर निगम से पदयात्रा निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का फूका पुतला। कहा, पीएम मोदी पूरे भारतीयों की है शान, विश्व के है नेता, उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गोरखपुर में होगा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। काकोरी के बलिदानियों की याद में 750 ड्रोन के रंग बिरंगी आभा में जीवंत होंगी जंगे आजादी की गाथा। 19 दिसंबर को महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में होगा भव्य आयोजन। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय व उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ के संयुक्त तत्वावधान में सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता बालक वर्ग का भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। कहा, भारत व प्रदेश सरकार खेलों को दे रही है बढ़ावा। अब गांव के खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में दिखा रहे हैं अपनी प्रतिभा, देश का नाम कर रहे हैं रोशन। तहसील सदर में एसडीएम नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए भूमि विवाद व पुलिस विभाग से संबंधित, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर पुरातन छात्र सम्मेलन का किया गया आयोजन। 1972 व 1997 बैच के पुरातन छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर किया गया उन्हें सम्मानित।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय व उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ के संयुक्त तत्वावधान में सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता बालक वर्ग का भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुभारंभ किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देने का काम भारत सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खेलो इंडिया के तहत सभी सांसदों को निर्देशित किया कि अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने का कार्य करें, अपने जिले में प्रतियोगिता को आयोजित करके क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेल में बढ़ावा दें, जिससे गांव में छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच मिल सके, जिससे खिलाड़ी देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सके। जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा गाँव में जहाँ भी खाली स्थान है वहाँ पर मिनी स्टेडियम बनाकर खेलों को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रहे हैं। वॉलीबॉल प्रतियोगिता जनपद में हो रही है, जिसमें प्रदेश भर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इन्हीं खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी बाहर निकलकर देश का नाम खेल में रोशन करेगा। उन्होंने कहा कि इन सभी खिलाड़ियों को 20 दिसंबर को सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए हमारे बीच में मुख्य अधिकार और वह जिलाधिकार समय से सभी मुख्य अधिकार और वाले आते हैं। और उसके बाद श्री डीके शिकारी मैंने जोड़े बालीवाल प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। पत्रकार हमारे बीच में उपस्थित हैं जो इस चैंपियनशिप को लोकप्रिय बनाने के लिए, लोगों की नज़र में जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका भी इसमें अविस्मरणीय योगदान है। कल के सारे न्यूज पेपर जोरदार ताली भाई दोनों आप दोनों टीमों से अतिथि की गरिमामय उपस्थिति में पहले गोरखपुर मंडल की टीम से परिचय प्राप्ति। जमाने में कोई ना सहारा नजर आया, बस एक तू ही हमें अपना नजर आया, तेरे प्यार में इस कदर बहते चले गए, ना तूफान दिखा ना तू। बहुत बढ़िया भाई, इस मैच तो कर दिया था इन्होंने, लेकिन यहाँ पर गोरखपुर मंडल की टीम देखते हैं अपनी मेजबानी का कितना सबूत दे पाती। बस 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 पर्ची के साथ यहाँ पर यहाँ पर
गोरखपुर मंडल के 11 नंबर प्लेयर ने पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में खेलों को बढ़ावा देने का काम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया के तहत पूरे देश भर में सभी सांसदों को उन्होंने कहा कि अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने का काम करें और प्रतियोगिताएं आयोजित करें जिससे गाँव में छुपी हुई प्रतिभाएं उनको मंच मिल सके, वो प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हर जगह खेलों को बढ़ावा देने का काम, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम और गांव-गांव में जगह जगह पर जहां पर भी स्थान है मिनी स्टेडियम बना करके इस प्रकार के खेलों को प्रोत्साहन देने का काम हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता गोरखपुर की भूमि पर पूरे उत्तर प्रदेश के यहां पर हो रही है। आज उसके शुभारंभ करने के लिए मैं यहां आया हूं और मुझे विश्वास है कि ये खिलाड़ी जिस प्रकार से खेल की भावना के साथ साथ निकल करके अनुशासन के साथ रह करके आगे बढ़ते हैं, ये मुझे विश्वास है कि ये उत्तर प्रदेश का नाम देश में रोशन करेंगे। SDM नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में SDM नेहा बंधु ने बताया कि इस तहसील समाधान दिवस में कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जिसे मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है और निस्तारण हो भी रहा है। इसके अलावा जो मामले आते हैं उनका निस्तारण करने के लिए पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके पर भेजकर निरीक्षण कर निस्तारण करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि अधिकतर मामले भूमि विवाद पुलिस विभाग से संबंधित आए थे जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर CEO कैंट योगेंद्र सिंह, तहसीलदार सदर विकास सिंह सहित राजस्व विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर नेहा बंधु ने कहा, भागों के लगभग आ जाते हैं, कुछ मौके पर ही निस्तारित करने लायक योग्य होते हैं जिन्हें हम मौके पर निस्तारित कर दिए जा रहे हैं। किसी कुछ मौके में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे हमारे CEO साहब भी बैठे हैं और तहसील दिवस का ये एक फ़ायदा है कि सभी विभाग के कर्मचारी यहाँ आते हैं तो लोगों की समस्याएँ जल्दी निस्तारित हो सकती हैं। अब यहाँ पे राजस्व के मैटर जो दिन प्रतिदिन वाले भी आ रहे हैं और विभागीय मैटर भी आ रहे हैं, पुलिस विभाग के मैटर भी आ रहे हैं, चकबंदी विभाग के मैटर भी आ रहे हैं।
नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ललित कला महोत्सव के दूसरे दिन आज महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित कर 1972 व 1997 बैच के पुरातन छात्रों को सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनकेश्वर नाथ पांडे ने बताया कि पुरातन छात्र सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि पुराने छात्रों को यहाँ बुलाकर उनके अनुभव को छात्रों के सामने साझा किया जाए, जिससे नए छात्रों को मार्गदर्शन हो सके, क्योंकि यहाँ पढ़ाए छात्र अब बहुत अच्छे पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं, उन पुरातन छात्रों का सम्मान हो सके। इस अवसर पर 1952 बैच के छात्र हरप्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर अलख राय, डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव, रविन्द्र पांडे, डॉक्टर धर्मवत तिवारी, डॉक्टर बीबी त्रिपाठी, बच्चूलाल, राजेश मोहन सरकार, गिरिजा शंकर तिवारी, गोपी कृष्ण श्रीवास्तव, अशोक कुमार श्रीवास्तव, अशोक महर्षि, उमेश चंद श्रीवास्तव, जयप्रकाश उपाध्याय, सुधीर कुमार श्रीवास्तव, मन्नूलाल श्रीवास्तव, आशीष मिश्रा, आशुतोष श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव, निखिल कुमार जायसवाल, अश्विन कुमार जायसवाल, कृष्ण मोहन सिंह, डॉक्टर विक्रांत सिन्हा, अमित कुमार ओझा, सत्यप्रकाश शुक्ला, राजेश मोहन सरकार, भरत बिहारी श्रीवास्तव, रोहिता श्रीवास्तव, डॉक्टर ओम शंकर, डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, वशिष्ठ नारायण, प्रोफेसर ब्रजेश जायसवाल, सर्वेश्वर पांडे, अमित श्रीवास्तव सहित सैकड़ों पुरातन छात्र उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, 1952 है, इंटर किया था, इतने पुराने लोग मंच पे एक साथ 1952 में इंटर किए, इन लोग का आगमन हुआ है, हम लोग के लिए विद्यालय परिवार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। प्रकाश मिश्रा जी, इसके बाद कुलगीत होना है, तो अब कुलगीत का विमोचन होना है। बच्चों तालियां बजाए, आपके विद्यालय का कुलगीत बना हुआ है, उसका विमोचन हो रहा है, उसको उसके बाद ध्यान से सुनेंगे, आपके कुलगीत का प्रस्तुतिकरण भी होगा। प्रवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा किया गया, 113 वर्ष बाद आज हमारे विद्यालय का कुल गीत अब यह पंजीकृत कुल गीत होगा। और इसका एक बात बताऊं कि उस बैच में मैथ, साइंस और आर्ट्स मिला के कुल 67 स्टूडेंट थे। विद्यालय है एकल गायन प्रतियोगिता समाप्त हुई है, जो तीन वर्गों में थी, जूनियर, सीनियर और विश्वविद्यालय स्तर पे, जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। अब अगला कार्यक्रम हमारा पुरातन छात्र परिषद का शुरू हो रहा है, जो 1972 और 1997 बैच के 50 वर्ष और 25 वर्ष पुराने छात्र हैं, वो आज मंच पर आएंगे, उनका संस्मरण हम लोग सुनेंगे और उनके बीच में हम लोग तमाम कार्यक्रम करेंगे। मुझे लगता है कि यह एक शुरुआत है, लेकिन यह यात्रा बहुत आगे तक जाएगी और अगले वर्ष हम, मुझे विश्वास है कि हम हजारों की संख्या में अपने एलुमनाई को दिसंबर माह में 2 दिन का कार्यक्रम करेंगे और उसमें उन्हें बुलाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। पति और पत्नी ने ही मिलकर किया था पत्नी के प्रेमी की हत्या, शव को सहजनवा थाने की पुलिस ने किया बरामद। पुलिस ने आरोपी पति और पत्नी को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल डंडा किया बरामद, एसएसपी ने किया खुलासा। हत्या
हत्या व हत्या के प्रयास, बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार के आरोपी व 10,000 रुपए के इनामी अपराधी राज निषाद को राजघाट थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया घायल, गिरफ्तार कर इलाज के लिए हॉस्पिटल में करवाया भर्ती। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने पर भाजपा महानगर व जिला के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में नगर निगम से पदयात्रा निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का फूका पुतला। कहा, पीएम मोदी पूरे भारतीयों की है शान, विश्व के है नेता, उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गोरखपुर में होगा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। काकोरी के बलिदानियों की याद में 750 ड्रोन के रंग बिरंगी आभा में जीवंत होंगी जंगे आजादी की गाथा। 19 दिसंबर को महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में होगा भव्य आयोजन। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय व उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ के संयुक्त तत्वावधान में सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता बालक वर्ग का भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। कहा, भारत व प्रदेश सरकार खेलों को दे रही है बढ़ावा, अब गांव के खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में दिखा रहे हैं अपनी प्रतिभा, देश का नाम कर रहे हैं रोशन। तहसील सदर में एसडीएम नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए भूमि विवाद व पुलिस विभाग से संबंधित, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर पुरातन छात्र सम्मेलन का किया गया आयोजन। 1972 व 1997 बैच के पुरातन छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर किया गया उन्हें सम्मानित। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।